आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर क्लस्टर। रबर इज टू BUR REE, कैटल इज टू डैश। ओके, एंड ऑप्शंस गिवन है हमारे पास A, B, C एंड D। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले जो हमें गिवन है हम वो लिख लेंगे, रबर। ओके, रबर को इन्होंने कैसे डिकोड किया गया है, BUR REE। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि इन्होंने कौन सा पैटर्न फॉलो किया है। तो इन्होंने पहले तीन तीन का पेयर बनाया हुआ है। ओके, इन तीन तीन के पेयर बनाने के बाद इन्होंने क्या किया है कि लेटर्स को इंटरचेंज कर दिया गया है। थर्ड लेटर को फर्स्ट पे ले आए हैं, सेकेंड लेटर हमारा सेकेंड पे रहा है और फर्स्ट वाला लेटर हमारा थर्ड पे आ गया है। इसी तरह सेम हमारा इधर भी फॉलो हुआ है, बी को यहाँ ले आया है एंड आर हमारा इधर आ गया है, ई हमारा एज इट इज लिखा हुआ। तो यही सेम पैटर्न जो है हम अपने कैटल के लिए भी फॉलो करेंगे। ओके, कैटल कैटल के लिए पहले तीन तीन का पेयर बना लेंगे हम, देन क्या करेंगे रिवर्स पोजीशन में कर देंगे। टी हमारा आ जाएगा इधर, ए आ जाएगा हमारा वहीं पे, सी हमारा यहाँ आ जाए, फिर ये वाला टी हमारा इधर चला जाएगा, ये वाला ई हमारा इधर आएगा, एल हमारा बीच में। ओके, तो जो हमारा डिकोड हुआ है केटल वो कैसे हुआ है, TACELT। तो ये हमारे कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर सी। सी इज आवर करेक्ट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।